किसी भी घर का लड़की है, इज्जत है, तो जो भी कोई उनको दुश्मनी था खेसारी भैया से, तो दुश्मनी अपने निभाए कौन भी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं ज्यादा बारे में नहीं बताऊंगा। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। क्या मुझे अरविंद अकेला कल्लू जी से बात हो रहा है? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया, बोल रहे कन्हैया चंद किशोर चैनल से। अच्छा अच्छा, हम आपसे पूछल चाहत बानी की अभी भोजपुरी में कुछ विवाद चल रहा है और हम आपसे बात कर रहे हैं, उसको मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने चैनल के दर्शक के लिए, मतलब बताने के लिए, क्या ये रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? कर लीजिए, लेकिन मैं ज्यादा विवाद में नहीं रहता हूँ, इस सब में तो मैं ज्यादा नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि क्या बोले कोई बात मानने नहीं करता है। नहीं देखिए, अच्छा ये बताइए अभी, मतलब पंकज सिंह जो गाये हैं खेसारी लाल यादव बेटी को पड़गाना, ये मतलब कहाँ तक सही है, ये बताइए थोड़ा। सही क्या इसमें? सही तो मेरे हिसाब से नहीं है, किसी किसी भी घर का लड़की है, इज्जत है, तो जो भी कोई उनको दुश्मनी था खेसारी भैया से, तो दुश्मनी अपने निभाए वो अलग की बात है, जी जी तो मैटर बात है, लेकिन लड़की लोग इसमें लाना अच्छा बात नहीं है कि लड़की लोग बदनाम करें, क्योंकि हर लड़की हर घर की इज्जत होती है, चाहे मेरे घर की हो या किसी और घर की हो। जी जी जैसे कि पिछले साल भी ये गाया था और उस पर बहुत बड़ा मतलब विवाद हुआ था और बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और उस पर मतलब जैसे कि आप सब देखे होंगे कि विवाद में मतलब वीडियो बनाया था, उस पर अखिलेश कश्यप का द्वारा उसके टीम का द्वारा एक थप्पड़ मार दिया था, तो जहां तक लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ लगा है, और आज खेसारी लाल यादव बेटी पे गाना आया है, तो यहाँ पर मतलब क्या, मतलब क्या आप लोग कुछ मतलब नहीं राय ले रहे हैं? नहीं, राय तो लेना चाहिए, मान लीजिए किसी भी घर की लड़की है तो लड़की को मत गाए, कोई कोई यही ना बोलेगा। जी जी तो मतलब जैसे कि उस साल मतलब गाए थे तो उस पर सब मतलब सब स्टार लाइव आए थे, जैसे गुंजन सिंह, रितेश पांडे, ये सब बोले थे, लेकिन इस सब अभी तक लाइव नहीं आया, उन लोग का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं है, सही है गलत है, या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कलो भैया। देखिए, मैं सही गलत का मैं ज्यादा बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं जानता हूँ ज्यादा सही क्या है गलत क्या है ठीक, जी लेकिन जी मैं सबको यही बोलूंगा कि किसी लड़की का जब बात आ रही है, किसी घर की इज्जत की बात आ रही है, किसी का बेटी या बहन है, तो ऐसा कोई गलती ना करे। कलो भैया देखिए, अभी विवाह में अभी पूरा मतलब घेर चुके हैं, जैसे कि सबको पता है कि खेसारी लाल यादव को पूरी तरह से घेर लिया दिया गया है, तो उसको मतलब लग रहा है, मतलब जैसे अभी फैन को मतलब कमेंट आ रहा है बहुत आदमी की, मतलब पवन सिंह के तरफ से ऐसा करवाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर अभी अहिरान भगवान मतलब दो ही लोग मतलब चल रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, मतलब जातिवाद क्यों है? देखिए, मैं ये सब के बारे में नहीं जानता हूँ, कौन भी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, उनको पंकज भाई को खेसारी भैया सब दुश्मनी था पहले, वो मतलब गलती किए थे, तो मतलब खेसारी भैया के मतलब लड़के को मतलब गाना गाए थे, तो जब उनको मारा गया तो यहीं से दुश्मनी अपना चालू कर लिए पंकज ने। अच्छा मतलब इसमें पवन सिंह का बात कहाँ से आ रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जैसे कि अभी मतलब नहीं बोल सकता हूँ। देखिए अभी अभी जहाँ तक मतलब सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग मतलब पवन सिंह जी को फंसाया जा रहा है, जहाँ तक बताया जा रहा है कि पवन सिंह के द्वारा हो रहा है ये सब, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो इसलिए मैं आपने पूछा। देखिये, हाँ, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं मेरे पास प्रूफ है, तो नहीं मैं फाइनली हाँ बोलूंगा, नहीं इसके बारे में ना बोलूंगा। चलिए मतलब आपको इसके बारे में पता जानकारी नहीं। अच्छा भैया, कलू भैया ये बताइए कि ये भोजपुरी में मतलब अभी अहिरान भगवान चल रहा है, जातिवाद लेकर पूरा मतलब बांट दिया गया है यहाँ पर भोजपुरी भाषाओं को पूरा, तो ये सब क्या गलत है क्या सही, मतलब कहाँ तक सही है भैया? जाति मतलब कलाकार को जहाँ तक हम लोग का पता है कि हम लोग मीडिया वाले हैं कि कलाकारी के कोई मतलब जाति नहीं आती, लेकिन मतलब कलाकार अभी पूरा एक तरफ जुट हो गया है अहिरान भगवान, जहाँ तक दिखा रहा है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री चलाना है तो ये कोई तरीका सही नहीं है कि हम अहिरान है तो अहिरान के लेकर के सपोर्ट में जाएंगे, हम भगवान है तो भगवान को जाएंगे, तो हम पंडित जी है या जो भी कोई है तो सब अलग अलग बिरादरी के गाने लगेगा, तो एक जो गाना आता है कोई भी गाता है तो उसको कोई भी मतलब बिरादरी सुनता है, लेकिन ये चीज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना पसंद, लेकिन मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं लगता है कि मतलब जातिवाद वाला गाना हो या किसी का नाम लेकर गाना गाया जाए, इस चीज मतलब ये सब हम पसंद नहीं करता हूँ, बाकी जिसका पसंद है उसका अलग की बात है, मैं उसको उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ।
अच्छा भैया, तो आप ये बताइए कि अभी मतलब इस जो विवाद में है, मतलब मगहिया जमाने के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा मतलब अश्लील सुधारने में लगते हैं और यहाँ पर आवाज मतलब जो है थोड़ा डाउन कर रहा है जहाँ तक पब्लिक का कमेंट आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मगहिया जवान हर मतलब अगर दूसरे जाति ऐसे करते हैं तो उसको मतलब खूब मतलब जो भी करता है आप लोग सुनते ही होंगे, तो इस मगहिया जवान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका तो मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ, मतलब किस बारे में आप बात करना चाहते हैं ये तो बताइए। यही भैया अभी जो चल रहा है खेसारी लाल यादव और पंकज सिंह के विवाद के बारे में। तो मगहिया जन इधर तो क्या बोले हैं, तो इधर उनके कोई बात ही नहीं सुने हैं। अच्छा जी, नहीं सुने हैं। उतना मेरे पास समय नहीं मिल पाता कभी ज्यादा, मतलब किसी का न्यूज देख पाऊँ, एक एक वीडियो जो देखिए, जैसे मान लीजिए पंकज भाई का थोड़ा वीडियो देखा था, खेसारी भाई का थोड़ा देखा था, तो यही मैं जानता हूँ। वैसे तो यूट्यूबर बहुत लोग हैं ना बनाने वाला, तो सबको हम लोग देखने लगेंगे वीडियो, तो फिर हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे।